नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, जो स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ, और बहुत सारा मैंने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ, फिबोनाची, बोलिंग एवेंट, RSI इंडिकेटर्स बेस्ड देख के, RSI के ऊपर, MACD के ऊपर, ये सब वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए। सप्लाई वॉल्यूम डिमांड इसका के ऊपर जो प्राइस एक्शन का वीडियो बनाया है, वो देखिए। ये सब का मतलब मार्केट में कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, उसको मैंने दिखाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने मार्केट एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, और बैंक सेलिंग लेवल्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी देखता हूँ, और स्टॉक मार्केट न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ। तो ये सब वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग को इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज है, सेटअप्स है, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और जो कोई नहीं है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप लोग यूट्यूब वीडियो में सर्च कर सकता है, यूट्यूब चैनल पेज पे आके सर्च कर सकता है, उसमें आप लोग को बहुत सारा जो आप लोग ढूंढ रहे हो मिल जा सकता है। मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी अटेंड कर सकता है, इसमें बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। और एंजल बुकिंग आस्था डे डेलिस भी आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप लोग ज्वाइन हो सकता है, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, मेरी तरफ से भी बेनिफिट रहेगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वगैरह देखता है, तो इसीलिए मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ओपन किया हूँ। पहले तो देखिए, इसमें जो इधर से एक सप्लाई जोन बना था, ठीक है, ये सॉरी हाँ, इधर से एक सप्लाई जोन बना था, ठीक है, और इधर से एक डिमांड जोन 15 मिनट का चार्ट में, ठीक है, इधर से एक डिमांड जोन बन के रहा है, ठीक है, और इधर से इधर इसका देखिए, ये जो छोटा कैंडल आज आप तो किया था, नया हाई तो बनाया था, लेकिन इसका अप मूवमेंट को देखिए, इसका ज़्यादा अप मूवमेंट, इसका मतलब अप मूवमेंट का स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं था। इसके बाद जो डाउन मूवमेंट था, उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, देखिए इस डाउन मूवमेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इधर से एक लंबा कैंडल तो ज़रूर बनाया था, लेकिन इसका हाई को मतलब अगला हाई को तोड़ नहीं पाया। इधर से देखिए, इधर से जितना तक गिरा था, इतना ऊपर तक नहीं जा पाया, फिर से इसका अंदर इधर देखिए रेट कर रहा है, तो इधर मार्केट, और इधर से वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम का रेट मतलब ये जो वॉल्यूम स्प्रेड का एनालिसिस, तो इसमें वॉल्यूम का जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन का नीचे है, ठीक है। इधर से देखिए, इधर से तो एक वॉल्यूम स्पाइक दिया था, मतलब इधर भी सुबह में एक बाइंग का वॉल्यूम दिया था, लेकिन उसके बाद देखिए ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और इधर से ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब अपसाइड का मूवमेंट, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो चीज़ दिखाने का है, अच्छा, और फिबोनाची लेवल्स मैंने इधर से ड्रॉ कर लिया है, अगला दिन का 15 मिनट का चार्ट में फिबोनाची लेवल्स इतना दूर तक ड्रॉ किया है, ठीक है। मेरा फिबोनाची बोलिंग जेवन फिबोनाची आसपास RSI उसका देखिए, और RSI का पोजीशन देखते हैं, RSI का पोजीशन देख लेते हैं, क्या दिखा रहा है। तो उसमें आप लोग को ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट का, वो पता चलेगा, ठीक है। इधर से RSI देखिए 60 का नीचे रहा है, ठीक है, 60 का नीचे 15 मिनट का चार्ट में, और 30 मिनट में इधर से देखते हैं, 30 मिनट में इसका 60 का अप दिखा रहा है, और वन आवर में भी 60 का अप दिखा रहा है, लेकिन 15 मिनट का चार्ट में इसका नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी इंटरडे दिखाऊंगा, तो इसीलिए ये तीनों का टाइम फ्रेम देखता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ इसका स्टील अपसाइड में है, 1 आवर 30 मिनट में अपसाइड है, लेकिन 15 मिनट में डाउनसाइड दिखा रहा है, 50 का नीचे दिखा रहा है, लेकिन ये 40 का नीचे आ नहीं पा रहा है, ठीक है, 40 का नीचे आ नहीं पा रहा है 15 का चार्ट में। तो मतलब इधर से जब ये सपोर्ट लेके नीचे आएगा, तो ये फिर से ये ऊपर जाने का चांसेस रहता है, लेकिन इधर से ये
मतलब रेजिस्टेंस ले लेगा, मतलब ये सांप रेजिस्टेंस को मतलब ये सॉरी ये सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं कर पाएगा ऐसा लगता नहीं है। तो और बैंक निफ्टी का भी देखिए, बैंक निफ्टी भी ऐसा मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है इधर से। अच्छा पहले निफ्टी का मैंने लेवल्स बताता हूँ, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर। तो इसका पहले तो लेवल्स दिखाने के से कुछ टाइम जाता है, तो इधर से इसका सोच लीजिए निफ्टी का 13,936 का ऊपर जाएगा, 13,936 चल रहा है, देखिए 13,936 में रुक रहा है, 13,936 के ऊपर ये आ सकता है 13,957 तक, ठीक है 13,957 तक। और बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का इसका तो हट गया है, इसका पोजीशन से हट गया है, इसीलिए फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट, इधर से मैंने तक ले लिया, अगला दिन का 15 का चार्ट में अगला दिन का हाई लो का ड्रॉ कर लिया है। तो इधर से देखिए 13,395 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी 13,395 के ऊपर ऊपर जा सकता है, और इधर से 13,490 तक जा सकता है अपसाइड में। उसके बाद इसके बाद जो देखते हैं और इधर से और सॉरी बैंक निफ्टी का, एक मिनट, बैंक निफ्टी का अपसाइड में तो ये दिख रहा है, और डाउन साइड में इसका आने के लिए 31,237 का नीचे जाना पड़ेगा, 31,237 का नीचे 31,150 ये सब लेवल्स आ सकता है। और निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का डाउन साइड में जाने के लिए 13,906 का नीचे आना पड़ेगा, ठीक है 13,906 का नीचे, 13,906 नहीं 13,917 का नीचे, 13,917 का नीचे ये आ सकता है, 13,907 ये सब लेवल्स इसका आ सकता है, ठीक है। अच्छा कुछ स्टॉक्स का लेवल्स भी आप लोग को दिखाऊंगा। एक्सिस बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक का लेवल्स क्या बोलता है, एक्सिस बैंक 629.80 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, 629.80 ऑलमोस्ट टच कर रहा है, लेकिन 80 का ऊपर जाना पड़ेगा, 80 का 630 हो गया है, इसके ऊपर ये ऊपर जाएगा। और नीचे का लेवल्स जो है इसका देखिए 630 दिख रहा है, 630.10 दिख रहा है। अच्छा इसके बाद 630.40 हो रहा है, और नीचे का जो लेवल्स है इसका 625 का नीचे ये नीचे ट्रेड ले सकता है एक्सिस बैंक, ठीक है। और इंडसइंड बैंक को देखते हैं एक बार, इंडसइंड बैंक को देखते हैं, इंडसइंड बैंक का पोजीशन इसका 907 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, 907 क्रॉस करेगा तभी ये ऊपर जाएगा, 907 दिखा रहा है, 907 के जस्ट टच कर रहा है, 907 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, और ऊपर इसका लेवल्स इसका ऊपर का जो लेवल्स हो सकता है ये पहले 915 तक भी जा सकता है इसका। अच्छा HDFC का लेवल्स देखते हैं, HDFC का जो है इसका हटा देता है, इसका 2528 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, HDFC 2535 तक जा सकता है, और नीचे इसका 2514 का नीचे ये नीचे जाएगा, ठीक है। और TechM को एक बार देख लेते हैं, TechM को एक बार देखते हैं, एक्सिस बैंक 630 अभी तक चल रहा है, और TechM कहाँ है एक बार देखते हैं, एक मिनट TechM को देखते हैं। आप लोग जरा मतलब कैसे एनालिसिस करता हूँ उसका आप लोग देखिए, पहले लेवल्स दिखाने के लिए कुछ टाइम जाता है, तो उसके बाद ही आप लोग को देखने से पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा TechM को देखते हैं, TechM का जो लेवल्स है, TechM का थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका
963 के ऊपर ये 963.30 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और नहीं तो इसका 960 के नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, अच्छा सिल्वर को लेवल एक बार दिखाता है, सिल्वर को दिखाता है, सिल्वर का लेवल क्या हो सकता है। सिल्वर देखिए, सिल्वर 68,694 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, 629 68,494 और 68,256 के नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी का पोजीशन देख लेते हैं, निफ्टी का 927 चल रहा है, तो इधर से देखते हैं, और बैंक निफ्टी इधर से 328 चल रहा है। ये मतलब ये रेजिस्टेंस का जोन में, सॉरी हमारे मतलब सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन कह नहीं जा सकता, सप्लाई जोन का रेजिस्टेंस। ये साइडवेज मूवमेंट करेगा क्योंकि RSI देखिए दो टाइम फ्रेम में ऊपर है, लेकिन 15 मिनट का चार्ट में नीचे दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नीचे और नहीं आ पाएगा, फिर से ये ऊपर ही जाएगा। तो इसका कॉल पुट ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, तो कॉल 31,000 बैंक निफ्टी का 31,500 का कॉल चल रहा है 163.85, और बैंक निफ्टी 31,500 का पुट चल रहा है 328 में, तो 31,500 का कॉल 163 पॉइंट जो चल रहा है अभी, करंट मार्केट प्राइस 163.50, इसमें बाई कर सकता है, और 31,500 पुट 324 चल रहा है, ये इसको इसमें सेल कर सकता है। देखते हैं RSI का पोजीशन, देखिए RSI का जो पोजीशन है वो मतलब, और इधर से जो अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट का दिख रहा है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाएगा लगता है, जो आज का जो हाई है उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अप ट्रेंड में दिखने का पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए मैंने इसको बाय करने के लिए बोला है, क्योंकि RSI देखिए दो टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर है, लेकिन एक टाइम फ्रेम में 60 का नीचे है, लेकिन 40 का नीचे नहीं है, मतलब नीचे से ऊपर जाने का कोशिश ही करेगा, फिर से ये 60 के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, मार्केट फिर से 950-60 के ऊपर, 13,950-60 के ऊपर जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी उसके साथ ही बढ़ेगा, ऐसे ही मेरा लगता है। तो देखते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देखिए वो 163 से कॉल 166 हुआ है, 167 हो रहा है, और ये देखिए 324 से 319 हो रहा है कॉपूट ऑप्शन, ठीक है। इधर 169 चल रहा है, तो देखते हैं, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट दिखेगा, लेकिन अपसाइड में ही दिखेगा, ज़्यादा गिरने का चांसेस पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि वो जो यही इसे एनालिसिस करके यही मेरा मतलब इसका एजम्पशन है। और इसका एक्सिस बैंक का क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक वही 630.35 में ट्रेड कर रहा है, टेकम 963 का ऊपर जा रहा है, 963 का ऊपर इसका बाई रहेगा, ठीक है, अभी तक आया नहीं है। और इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है देखते हैं, इंडसइंड बैंक और HDFC, इंडसइंड बैंक HDFC क्या लेवल बोला था इसका, 2528 के ऊपर, 2528 अभी तक गया नहीं है, और 2514 का नीचे सेल है, ठीक है, ये ऊपर गया नहीं है। इंडसइंड बैंक का 907 के ऊपर, 907 के ऊपर ऊपर जाएगा, तो देखते हैं कितना ऊपर ये जा सकता है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी भी डिपेंड करेगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा इसी के साथ ही, तो देखते हैं। अब होप आप लोग को एनालिसिस समझ में आया है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, लेकिन अचानक गिरने का चांसेस इसका देख नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा सा साइडवेज करके थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा अपसाइड में ही जाने का प्रॉबिलिटी है, नीचे 13,917 का नीचे जाएगा तो ये नीचे जा सकता है। तो टोटल एनालिसिस अभी जो दिखा रहा है, तो इसका अपसाइड में जाने का प्रॉबिलिटी इसका देख रहा है। इधर से कॉल पुट का क्या हो रहा है, ये 169 पे जा रहा है,
68, 69 या 300 पुट ऑप्शन 319 में आया है। देखते हैं थोड़ा सा, 10 से 170 हो गया है, 163 से बोला था, 171 चल रहा है, 173 चल रहा है, और पुट चलाया 303 से, 324 से 303 चलाया, उधर से 175 चल रहा है, ठीक है, कॉल पुट ऑप्शन 175 चल रहा है 163 से, और ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन 307.5 चल रहा है। तो मैंने बोला था इसका थोड़ा सा अपसाइड में जाने का प्रोबेबिलिटी इसका बनता है, क्योंकि यही एनालिसिस है। कैसे आप लोग को मैंने एनालिसिस किया है उसको आप लोग देखने देख सक मतलब समझ सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। ये देखिए इधर से एक हायर ही बना है, लेकिन इसका आसपास मतलब 956-965 तक इसका आने का प्रॉबिलिटी है। आज का हाई इसका तोड़ पाएगा ऐसा भी नहीं लगता है, ठीक है। बैंक निफ्टी 31,366 चल रहा है, 31,390 क्रॉस करेगा तो ये और भी ऊपर जाएगा, जा सकता है, ठीक है। देखते हैं ऐसे करके मार्केट को एनालिसिस कर लेंगे तो आप लोग को गलत होने का चांसेस कम है। दो तीन चीज़ कुछ नज़र में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या हुआ है, एक्सिस बैंक, 630-595 चल रहा है, 75-630-70-75 हो रहा है। इंडसइंड बैंक देखते हैं, इंडसइंड बैंक 908.85, 907 बोला था, 908.85 गया था, 40 चल रहा है, ठीक है। और इधर से HDFC का 2528 के ऊपर अभी तक बाई लेवल आया नहीं है। और इधर से जो है, इधर से सिल्वर का लेवल देखते हैं, सिल्वर का अपसाइड में गया नहीं है, अपसाइड का लेवल, डाउनसाइड का लेवल, किसी भी लेवल आया नहीं है। तो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, उसके बाद फिर से जब कुछ मूवमेंट आएगा तो दिखाऊंगा, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। तो देखिए निफ्टी मैंने जो बोला था 917 का नीचे थोड़ा सा नीचे आएगा, 917 का नीचे ये 906 को 907 को टेस्ट करके गया है, ठीक है। तो फिर से 13907 को 906 को टेस्ट करके दिख गया है, इसके बाद ये फिर से आप मूवमेंट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गिरा था और ये अभी अपसाइड में चलता है, देखता है लास्ट मोमेंट तक कितना दूर तक जा सकता है। और एक्सिस बैंक टेक 961 में है, एक्सिस बैंक थोड़ा सा नीचे आया है, और इंडसइंड बैंक देखते हैं, HDFC अभी तक ऊपर नहीं गया, इंडसइंड बैंक 907 में चल रहा है, अपसेट ही है, HDFC का लेवल आ रही है। सिल्वर का नीचे का साइड में आया है क्या, एक बार देख लेते हैं, नीचे का साइड में सिल्वर, सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर इसका नीचे का साइड में भी आया नहीं है, और कॉल ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ गया है तो फिर से ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और पुट ऑप्शन भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, फिर से कुछ मूवमेंट आएगा तो दिखाऊंगा। देखिए निफ्टी इधर से एक जोन बनाया है, डिमांड जोन का, इधर से भी थोड़ा सा, इधर से भी एक जोन बनाया, मैंने 15 मिनट का चार्ट में देखता हूँ, इधर से भी एक छोटा सा जोन बनाया और इधर से इतना दूर तक जोन बना। देखिए इस जोन को जब ब्रेक कर रहा है ये 945
जा रहा है, ठीक है, एक 956 तक पहले आ सकता है। 945 गया है, बैंक निफ्टी 374-78 चल रहा है, देखते हैं कितना दूर तक जा सकता है। इसका ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा इसका आ सकता है, 947 चल रहा है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी 377-78। इधर से कॉल पुट ऑप्शन को देखते हैं, कॉल ऑप्शन गया है 178 पे, 163 से, ठीक है, 179 चल रहा है, 180 हो गया है, और पुट ऑप्शन 324 से देखिए 297, 296 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने जो ऐसे एजम किया था मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ था, तो ऐसे करके साइडवेज मार्केट से भी ये देखिए 186 हो गया पुट ऑप्शन। मार्केट कहाँ पर जा सकता है इसको एनालिसिस करना है, वही दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को भी सुविधा हो सा है। आप लोग मेरा जो स्ट्रैटेजीज के ऊपर वीडियोस बना हुआ है, देखिए ये 953 चल रहा है, 956 तक आ सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी 398 हुआ है, 396-98, ठीक है, 399 चल रहा है। इधर से कॉल ऑप्शन वही 186 तक हाई लगाया था, और पुट ऑप्शन 31,500 का पुट ऑप्शन 293 चल रहा है। और जो स्टॉक्स का कुछ जो दिखाया था वो क्या है देखते हैं। एक्सिस बैंक ये तो 963 64 हो गया है, और एक्सिस बैंक 632 चल रहा है, 629 कुछ ऐसा था, 632 चल रहा है, ठीक है, एक्सिस बैंक। और इंडसइंड बैंक 907 से लेवल बोला था उसका, वह एक बार देखते हैं। इंडसइंड बैंक देखिए 911 हुआ है, 907 से, ठीक है, और HDFC का अभी तक लेवल आया नहीं है, 2528 के ऊपर गया नहीं है, ठीक है। तो यही देखिए इधर से साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, जोन डेवलप किया, फिबोनाची लेवल्स को देखा है, वॉल्यूम RSI को पर्टिकुलरली देखा है मल्टीपल टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर में देख लिया है। तो उसी को देखे एजम्पशन किया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आया था टेस्ट करने के लिए 13,906 तक आया था, लेकिन फिर से मार्केट रिकवरी करके ऊपर ही गया है। तो इसी का ही एनालिसिस आप लोग को रेगुलर आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। मेरा जो वीडियोस बना है प्राइस एक्शन के ऊपर, बोलिंजर बैंड, RSI, फिबोनाची का देखे जो स्ट्रेटेजी दिखा है वो उसको देखिए, RSI, MACD, ये सब देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इसका एनालिसिस सही तरह से किया जा सकता है। ये 956 तक आने वाला था, थोड़ा सा 953 तक आया है, ठीक है, ये 953, लेकिन इसका आज का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ऐसा लगता नहीं है, हो सकता है कुछ बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो आ सकता है, लेकिन इधर से वॉल्यूम का जो वॉल्यूम तो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम का स्पाइक नहीं मार रहा है, ठीक है। आप ये तो जो ये जो स्पाइक बनेगा तो ये मतलब परमानेंट हो जाएगा, स्पाइक जो बोलता है उसको नहीं आया है, ये थोड़ा सा मतलब बाउंस बैक कर रहा है अपसाइड से, ठीक है। इधर से जो देखिए इसका मूवमेंट देखिए अपसाइड, इसका डाउनसाइड का मूवमेंट इतना स्ट्रेंग नहीं था, इसके बाद फिर से इसका अपसाइड में स्ट्रेंग आया है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो यही ख़त्म कर दूंगा, शायद 956 का ऊपर जा भी सकता है, लेकिन 956 के ऊपर जाएगा तो 965, 969 तक जा सकता है। ये थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, फिर से अब मूवमेंट आएगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो ही ख़त्म कर दूंगा। तो होप आप लोग को मतलब जैसे एनालिसिस करता हूँ वो समझ में आ रहा है। तो देखिए इधर से टेक एम भी 965 के ऊपर गया है, ठीक है, और एक्सिस बैंक तो 632 के ऊपर गया था, और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो हम लोग को दिखा दिया है। तो स्टार्ट मतलब कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे इसका मतलब मार्केट को साइडवेज मूवमेंट चल रहा है तो उसके बाद कैसे इसका देखिए, इधर से ये जो जोन है ये अभी इसका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, इधर जो रेजिस्टेंस था इसका ये सपोर्ट बन गया जाएगा, तो 930 के आसपास इसका ये सपोर्ट बन जाएगा, तो मार्केट इससे अभी ये साइडवेज ही चलेगा रखता है,
तो वीडियो एक ऊपर का ब्रेकअप होगा तो अपसाइड में गया जाएगा। तो जो बात यह है कि इसका कैसे एनालिसिस किया जाता है मार्केट को, वही दिखाने का आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग मेरा जो स्टार्ट वीडियोस बना हुआ है प्राइस एक्शन के ऊपर, बोलिंग जेवेंट, आर एस आई, फिबोनाची, तो सब वीडियोस अच्छी तरह से देख लीजिए, तो आप लोग भी इसका ऐसे एनालिसिस कर पाएंगे। धन्यवाद।